हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुस्कान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम फायरबेस ऑथ के थ्रू साइन अप करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं रिएक्ट नेटिव फायरबेस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाऊंगी और यहाँ पे हम ऑथेंटिकेशन में जाएंगे और यहाँ पे हमें ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है। तो हम NPM से इंस्टॉल करेंगे, तो मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था लास्ट वीडियो में, उसी प्रोजेक्ट में हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं NPM से React Native Firebase ऐप डाउनलोड कर रही हूँ एंड देन नेक्स्ट हमें React Native Firebase और डाउनलोड करना है। NPM इंस्टॉल React Native Firebase auth। तो यहाँ पे हमारे पास फायरबेस के यूसेज हैं, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम फायरबेस ऑथ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिसनिंग टू ऑथेंटिकेशन स्टेट, इससे हम लिसन कर सकते हैं कि यूज़र लॉग इन है या नहीं, उसके थ्रू हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं इसके डीप में नहीं जाऊँगी, हम आने वाले वीडियोज़ में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है परसिस्टिंग ऑथेंटिकेशन स्टेट, हम ऑथेंटिकेशन स्टेट को परसिस्ट भी कर सकते हैं, अनोनिमस साइन इन कर सकते हैं। अभी हम ईमेल एंड पासवर्ड साइन इन यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। दोनों पैकेजेस डाउनलोड हो गए हैं। अभी मैं app.js को सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लूँगी src के अंदर, इसी में मैं अपना सारा कोड लिखूँगी। इसमें मैं एक फोल्डर और बना रही हूँ स्क्रीन्स एंड वन मोर कॉम्पोनेंट्स। स्क्रीन के अंदर मैं लूँगी साइनअप स्क्रीन। साइनअप स्क्रीन में हम RNFA से फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे और इसे app.js में इंपोर्ट कर लेंगे। तो app.js में इंपोर्ट हो गया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगी React Native Firebase auth और यहाँ पे हम एक बेसिक सी UI बना लेंगे रजिस्टर स्क्रीन की। तो यहाँ पे साइनअप स्क्रीन की मैंने बेसिक UI बना ली है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे auth इंपोर्ट करेंगे। auth इंपोर्ट हो गया है एंड देन टचेबल ओपेसिटी में एक onPress फंक्शन लेंगे। onPress फंक्शन में एक फंक्शन ले लेंगे एंड देन ये फंक्शन यहाँ क्रिएट कर लेंगे। अब फंक्शन के अंदर क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड ये यूज़ करेंगे। auth डॉट क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पासवर्ड, तो इसमें हमें ईमेल एंड पासवर्ड भेजने हैं। तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, वो ईमेल और पासवर्ड भेजेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं दो स्टेट ले लेती हूँ, ईमेल एंड पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे दो स्टेट ले ली है। अब वो टेक्स्ट इनपुट में हमारे पास प्रॉप होता है वैल्यू, वैल्यू में हम डाल देंगे ईमेल फॉर ईमेल टेक्स्ट इनपुट एंड फॉर पासवर्ड टेक्स्ट इनपुट हम डाल देंगे पासवर्ड। यू स्टेट हमने इम्पोर्ट नहीं किया है तो हम इसे इम्पोर्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे एक प्रॉप होता है टेक्स्ट इनपुट में ऑन चेंज टेक्स्ट, इसमें हमें वैल्यू मिलती है, उसे हम सेट स्टेट कराएंगे। तो हमें ईमेल इनपुट से ईमेल मिलेगा तो उसे हम ईमेल में सेट करा देंगे, नॉट हियर ईमेल हियर एंड यहाँ पे हम पासवर्ड में सेट कराएंगे सेट पासवर्ड के थ्रू।
तो यहाँ पे हमें जो भी यूज़र से इनपुट हमें मिलेगा वो इन स्टेट में मिल जाएगा। तो इन स्टेट को हम यहाँ पे भेज देंगे ईमेल एंड पासवर्ड। नेक्स्ट हम देन और कैच ऐड करेंगे जिससे कि हमें रिस्पॉन्स और एरर का पता चलेगा। तो देन में यहाँ पे हम कंसोल की जगह अलर्ट लगा लेंगे एंड कैच में भी हम अलर्ट लगा लेंगे, उसमें हम एरर अलर्ट करा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एरर आ गई है क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल करने के बाद ऐप को रीइंस्टॉल नहीं किया था। तो हम ऐप को रीइंस्टॉल कर लेते हैं। तो करंट ऐप को मैं अनइंस्टॉल कर रही हूँ और न्यू ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल हो गई है। मैं फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करूंगी और रजिस्टर पे क्लिक करूंगी। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अलर्ट मैसेज मिला है, यूज़र अकाउंट क्रिएटेड एंड साइंड इन, बट हमें अभी साइन इन नहीं किया है। तो हम ये मैसेज को थोड़ा अपडेट कर देते हैं, यूज़र अकाउंट क्रिएटेड। अब यहाँ पे हमें कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि कैच में हमें कुछ एरर कोड्स दिए हुए हैं। अगर ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ है तो हमें ये एरर कोड आएगी, उस केस में हम ये मैसेज शो कर सकते हैं। इनवैलिड ईमेल के केस में हम ये एरर शो कर सकते हैं। और हम हमारे साइड से फ्रंट एंड वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं। सपोज ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता या टेक्स्ट इनपुट ब्लैंक है, तो इन दिस केस हम यूज़र को रजिस्टर पर क्लिक करने नहीं दे, डिसेबल कर दे बटन। ये सारे वैलिडेशंस हम लगा सकते हैं फ्रंट एंड साइड पे। तो हम ये वाला एरर कोड टेस्ट कर लेते हैं, इसे कमेंट कर देती हूँ और अलर्ट करवा लेते हैं सेविंग। तो मैंने muskan@gmail.com क्रिएट किया था। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं कि फायरबेस कंसोल में यूज़र के अंडर हमें लिस्ट शो हो रही है नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो गया है। अब यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वी शुड रिसीव दिस एरर कोड। तो मैं दोबारा से रजिस्टर पर क्लिक करती हूँ। तो हमें ये मैसेज विजिबल हो गया है दैट ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी इन। अब हम इनवैलिड ईमेल डाल के चेक करते हैं और जो हमें यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है वो कोड हम पिक कर लेंगे और इसे सेव करेंगे। एंड मैंने ईमेल एड्रेस इनवैलिड कर दिया। अब रजिस्टर पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंसोल लगा दिया है, इससे हम अलर्ट करते हैं एंड देन आई एम क्लिकिंग ऑन रजिस्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विजिबल हो गया है दैट ईमेल एड्रेस इज इनवैलिड। तो आप इस तरीके से फायरबेस ऑथ के थ्रू साइन अप कर सकते हैं। आई होप आपको फायरबेस ऑथ के थ्रू रजिस्ट्रेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।